सीसी के साथ मैच खेलेगा क्वार्टर फाइनल। ओके ओके, नवीद भाई का इशारा जो अंपायर के फराइज अंजाम देते हुए, लेग अंपायर के जो फराइज अंजाम, आसिफ बागायत पहली गेंद लेकर, स्वामी देख रहे हैं अंपायर का इशारा पहली गेंद पर, इस्तकबाल करते वेलकम करते हुए यहां पर हमीद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर छक्का लौटाते हुए। ओके शुक्रिया रफीक भाई, पहली गेंद पर छक्का, 6 रन के साथ इस्तकबाल करते हुए बल्लेबाज हैं किरण चौहान। स्वामी गेंद करेंगे किरण को, शॉर्ट गेंद रिवर्स खेला, अंपायर का इशारा 4 रन के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट स्वामी, 2 गेंदों में 10 रन बनाकर खेलते हुए किरण चौहान। मेरे पास ओपन कर छोड़ो जी, ओके ओके स्वामी अगली गेंद लेकर, स्कोर लेके जाने खेलना चाहते थे लेकिन मिस कर बैठे, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, बगैर किसी नुकसान के स्कोर पहुंचा 10, 7 रन यावदे नष्ट विल्ला। पाटिल पैंथर्स बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर स्वामी, यार्कलन गेंद पॉइंट की जानिब खेला, अल्ताफ फील्डर फील्ड करते थ्रो करते बैट्समैन ने 1 रन चुरा लिया। देखना है ये कौन सी टीम क्वार्टर फाइनल पहुंचेगी, इसमें जो टीम जीतेगी वो जमीर सीसी के साथ मैच खेलेगी। अगली गेंद लेकर स्वामी, गेंद करेंगे किरण सॉरी विजय कुमार को, हल्की सी चेंज ऑफ पेस गेंद करते हुए स्कोर लेग की जानिब जाती हुई गेंद, कोई कोई मौका नहीं वहां पर फील्डर के लिए, कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 15 रन बगैर किसी नुकसान के। पहले ओवर का खेल चलता हुआ स्वामी थोड़े से महंगे साबित होते हुए 5 गेंदों में 15 रन लुटा चुके हैं, देखना है आखिरी गेंद में क्या होता है। विजय अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अगली गेंद लेकर स्वामी, गेंद करेंगे विजय को, पाटिल पैंथर वर्सेस हमीद सीसी, अगली गेंद लेकर उठाकर मारा है मिड विकेट की जाने, फील्डर देखना है वहां पर अंपायर का इशारा, 6 रन। हल तो कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 21, 21 रन पहले ओवर में, अच्छी शुरुआत मैं कहूंगा, अगर आप अच्छी शुरुआत करेंगे तो मैच में बने रहेंगे डटे रहेंगे। अपना पहला ओवर लेकर, टीम का दूसरा ओवर लेकर, पहली गेंद लेकर हल्का सा ढकेल कर 1 रन के लिए दौड़ पड़े, फील्डर फील्ड करते 1 रन बैट्समैन ने आराम के साथ
ले लिया। हनुमंत अपनी पहली गेंद पर एक रन देते हुए। किरण चौहान और विजय कुमार बल्लेबाजी करते हुए। हनुमंत का सामना करेंगे विजय कुमार। दो गेंदें खेलकर वो 10 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। हनुमंत गेंद करेंगे विजय कुमार को। पिछला मैच आपने जो देखा, आप कभी भी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। अगली गेंद लेकर हनुमंत विजय कुमार को। हल्का सा खेलना ढकेलना चाहते थे लेकिन सीधे बॉलर के हाथों से छिटक दी हुई गेंद। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। कैसे हाथों से कैच जरूर छूटा। विजय कुमार बड़े खुशकिस्मत रहे कि वो अपना एक जीवन दान उनको नसीब हुआ। हनुमंत एक तोहफे के तौर पर, एक नजराने के तौर पर उनको एक जीवन दान दिया। अगली गेंद लेकर हनुमंत विजय कुमार को। खेलना चाहते थे लेकिन गेंद फील्डर फील्ड करते थ्रो करते दो फील्डरों से गेंद छिटकती हुई तीसरे गेंद फील्डर के पास पहुंची। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा। तो इस टूर्नामेंट के रूहेरवा जिन्हीं की कोशिश की वजह से ये जो टूर्नामेंट खिलाया जा रहा है, हमीद इंडिकर साहब 1 लाख रुपए का जो तोहफा दिया है, मैं समझता हूँ काबिल तारीफ। अगली गेंद लेकर हनुमंत। मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे। आसिफ बागायत का इशारा वाइड। वाइड का मतलब होता है एक तोहफा जिसे हम कहते हैं, जिसे हम गिफ्ट कहते हैं, ये नजराना जिसे हम कहते हैं, मैं फ्री में जो मिलता है उसे गिफ्ट कहते हैं। तो इसे कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा तो 24 रन तोहफे के तौर पर। अगली गेंद लेकर हनुमंत गेंद करेंगे। अगली गेंद लेकर हनुमंत। बहुत ही समझबूझ के साथ, जैसा कि घर में झाड़ू लगाते हैं उसी तर्ज में इस खेलते हुए। अंपायर का इशारा 4 रन के लिए। कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 28 रन। यावदे हुदरी नष्ट विलदे पाटिल पैंथर्स। इस टीम के जो कप्तान मल्लू पाटिल साहब जो बागेवाड़ी से मुनसिफ हैं। अगली हनुमंत गेंद करेंगे। बहुत ही तेज गेंद उठाकर मारा, देखना है वहां पर फील्डर के ऊपर से समझबूझ के साथ खेलते हुए। अंपायर का इशारा 4 रन के लिए। इस मैच के अंपायर की जो फराइज अंजाम दे रहे हैं आसिफ बागायत और नमीत, ये भी एक मशहूर मारूफ खिलाड़ी जाने जाते हैं जो अपने अंपायर के फराइज अंजाम देते हुए। तो दूसरा इनाम आबिद अली मुल्ला साहब की जाने से 50,000 रुपए का। थर्ड प्लेस के लिए जो है बख्शी साहब ने 30,000 रुपए दिए हैं, जीशान बख्शी साहब। यूट्यूब लाइव जो है अबरार इनामदार साहब, उन्हीं की जानिब से ये जो लाइव आप देख रहे हैं। अगली गेंद लेकर हनुमंत। यॉर्करलैंड बहुत ही अच्छी गेंद हनुमंत द्वारा। मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे। दो ओवर के बाद कुल मिलाकर स्कोर 32 है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टू ओवर 32 रन विदाउट लॉस पाटिल पैंथर्स। 32 रन यावदे हुदरी नष्टविलदे पाटिल पैंथर्स। हर मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी बाय फयाज सरकाजी की जानिब से। एवरी मैन ऑफ द मैच की जानिब टी शर्ट और कैप। टी शर्ट कैप और स्पोर्ट्स जो हमारे वाइस स्पोर्ट्स रफीक तालुकोटी साहब, और कैप जो है यूनिक स्पोर्ट्स की जानिब से अबू बकर बागेवड़ी उनकी जानिब से। जो कम्युनिटी के जो भी सपोर्टर्स हैं, मुबीन शेख हैं, मोइन शेख साहब हैं, टूर्नामेंट के सपोर्टर बड़े पीरा नन्हे पीरा हवेली जिम, सैयद अदीब हुसैन इनामदार साहब जो मेरे बहुत ही एक अच्छे दोस्त हैं जो इंग्लिश टीचर हैं वो अल हसनात में। अगली गेंद लेकर बॉलर नेम हबीब मुजावर। जितना हबीब होता है उतना ही वो करीब होता है। अगली गेंद अपनी पहली लेकर टीम का तीसरा ओवर लेकर हबीब गेंद करेंगे विजू को। विजय कुमार पाटिल पैंथर्स के ये वो अपना बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज
बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। हबीब देख रहे हैं वहां पर, गेंद बहुत ही हवा में थी लेकिन बल्लेबाज आराम के साथ दो रन मुकम्मल करते हुए पूरे करते हुए तो स्कोर पहुंचा कुल मिलाकर 34 रन। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ हबीब अपने पहली गेंद में 2 रन लुटा चुके हैं। ये जितने भी हमारे जो इस टूर्नामेंट में जो अपने तौर पर जो ताउन किया है काबिले तारीफ कहूंगा मैं, ये तारीख में पहली मर्तबा अगली गेंद लेकर हबीब हल्का सा ललचाते हुए, जैसा कि बच्चे को आप लॉलीपॉप देते हैं उसी तर्ज में गेंदबाजी करते हुए हबीब। समझदारी के साथ अगर आप बल्लेबाजी करेंगे तो सिंगल दो जरूर मिलेंगे आपको। हबीब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए, तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 36 विदाउट लॉस पाटिल पैंथर्स वर्सेस हमीद सीसी। फुल टॉस गेंद, अंपायर का इशारा नो बॉल का, फ्री हिट तोहफे के तौर पर। ये जितने भी इस टूर्नामेंट जिन्होंने ताउन किया है पहला इनाम हमीद इंडिकर साहब की जम से 1,00,000 रुपये का नजराना अपनी जानिब। सेकंड प्राइज आबिद अली मुल्ला 50,000 रुपए, थर्ड प्राइज जीशान बख्शी साहब 30,000 रुपए। यूट्यूब लाइव अबरार इनामदार साहब की जानिब से आप जो देख रहे हैं मैच अगली गेंद लेकर हबीब। हर मैच की जो मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी फयाज सरकाजी की जानिब से, और हर मैच में मैन ऑफ द मैच के लिए टी शर्ट और कैप रफीक तालिकोटी, टी शर्ट और जो है यासीन स्पोर्ट्स। अगली गेंद लेकर शॉर्ट गेंद, लेकिन वहां पर इनामदार साहब को छिटकती हुई गेंद, अंपायर का इशारा 4 तोहफे के तौर पर। बहुत ही अच्छा स्कोर चलता हुआ पाटिल पैंथर्स का, कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 41 एक विकेट के नुकसान पर। सॉरी वो नो बॉल था, तो उसके साथ ही साथ टी शर्ट जो है टी शर्ट जो दिया जा रहा है हमारे वाईएस स्पोर्ट्स की जानिब से, यासीन स्पोर्ट्स की जानिब से, जो रफीक तालिकोटी उसके ओनर हैं, और कैप जो है हमारे अबू बकर बागेवाड़ी की जानिब से। बॉल कितने बोला, 2 रिमेनिंग। कमेटी के जो सपोर्टर्स हैं अगली गेंद लेकर हबीब विजय को हल्का ललचाते हुए, चेंज ऑफ पेस गेंद करते हुए, तो कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 41 42। तीसरे ओवर का खेल चलता हुआ जो कमेटी के सपोर्टर्स हैं हमारे मुबीन शेख साहब, मोइन शेख, टूर्नामेंट के सपोर्टर बड़े पीरा नन्हे पीरा हवेली जिम, सैयद अदीब हुसैन इनामदार जो इंग्लिश मास्टर हैं। अगली गेंद लेकर हबीब रिवर्स खेला, पॉइंट की जानिब गेंद जाती हुई, फील्डर दौड़ रहे हैं, पहले रन के लिए दौड़ पड़े दूसरे रन के लिए, दूसरा रन भी मुकम्मल किया, तो यहां पर ओवर की समाप्ति। मैं अगली कमेंट्री के लिए मेरे इरशाद बागवान साहब जो सांगोला से महाराष्ट्र से आए हैं, शुक्रिया। जी बिल्कुल अयूब आरब सर की आपने जुबानी में अभी कमेंट्री सुनी है। 3 ओवर का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 44 रन। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि कल इस मैदान पर सुपर संडे रहेगा, कल इनाम वाला दिन रहेगा,
कल भी काफी मशहूर खिलाड़ी आपको इस मैदान पर देखने को मिल सकते हैं। एपीएम चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का इस साल का विजेता कौन बनेगा, कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, कौन सी टीम रहेगी 1 लाख रुपए की और नंबर पहले ट्रॉफी की हकदार इस टूर्नामेंट के लिए, जिनका योगदान है 1 लाख रुपए का इनाम जिन्होंने दिया है, हामिद भाई इंडिकर, दूसरे नंबर की जो 50,000 रुपए की राशि है अबिद अली मुल्ला इनकी ओर से, तीसरे नंबर की राशि है जिशान बख्शी इनकी ओर से 30,000 रुपए की, और यूट्यूब लाइव जो हमारे स्पॉन्सर है जिनके माध्यम से आप ये टूर्नामेंट आपके मोबाइल पर देख रहे हैं, अबरार इनामदार इनके माध्यम से। चलते मैदान पर इस ओवर की अगली गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद है, इस गेंद को खेला विकेटों के पीछे, काफी मजबूत कद के खिलाड़ी है, सिंगल नहीं रोक पाएंगे, इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड पर रन संख्या जहाँ पहुंचेगी 45, लेग 22 का इशारा आता हुआ। हर मैच के लिए जो मैन ऑफ द मैच यहाँ पर दिया गया है एक ट्रॉफी, फैयाज सर काजी, काजी सैंड सप्लायर्स इनके माध्यम से, और हर मैच के लिए मैन ऑफ द मैच एक टी शर्ट रफिक भाई तालीकोटी वाई स्पोर्ट इनकी ओर से, और एक कैप यूनिक स्पोर्ट अबू बकर बागेवाड़ी इनकी ओर से, जिनका योगदान है कमेटी सपोर्ट मुबीन भाई शेख और मोइन भाई शेख, साथ ही साथ टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट किया है बड़े पीरा नन्हे पीरा हवेली जीम, और इस बार काफी शानदार गेंद क्लीन बोल्ड करार हुआ लगता हुआ चलता, बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया यहाँ पर बल्लेबाज को, कहानी खत्म कर दी इस मैदान से, काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे अब तक, लेकिन एक सफलता जरूर अपनी टीम को दिलाई यहाँ पर, एक आशा का किरण जरूर नजर आ रहा है इस टीम के लिए। पाटिल पैंथर्स बनाम हमिद सीसी मुकाबला मैदान पर जारी, इसके बाद जो मुकाबला होगा इस मुकाबले में जीतने वाली टीम बनाम जमीर सीसी, जमीर सीसी एक मजबूत दावेदार टीम है, नए बल्लेबाज यासीन मैदान के अंदर जाते हुए, यासीन उसी तरह टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट में सैयद अदीब हुसैन इनामदार इंग्लिश मास्टर, इनका भी यहां पर बहुत बड़ा योगदान, सबके सहयोग के साथ ये चलता हुआ टूर्नामेंट झेड़पी ग्राउंड बीजापुर। तो बिल्कुल शानदार गेंदबाजी यहां पर करते हुए अब नए बल्लेबाज यासीन, गेंदबाजी मार पड़े गेंदबाज हनुमंत, ये चौथा ओवर मैदान पर जारी है, फिर से एक बार काफी तेज गति की गेंद है, बिल्कुल विकेटों के जड़ में किया था इस गेंद को, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, डीप स्वेयर लेग के खिलाड़ी भी आए थे वहां पर, लेकिन तब तक यहां पर 2 रन जरूर पूरे किए, इन 2 रनों की मदद से रन संख्या जा पहुंची है 47 रनों पर। थोड़ा सा टर्न लेती हुई गेंद टप्पा खाने के बाद, खिलाड़ी जब तक गेंद पर आते फील्ड करने की कोशिश करते, अच्छी फील्डिंग वहां पर, लेकिन 2 रन नहीं रोक पाएंगे, 49 पर जा पहुंची है रन संख्या। शुरुआत जो पहला ओवर किया था, पहले ओवर में 21 रन आए थे, काफी बेहतरीन शुरुआत मिली थी। फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद, सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार है गेंदबाजी मार्ग पर, और इस बार अच्छा स्ट्रेट ड्राइव किया है वहां पर खिलाड़ी, जब तक गेंद पर आते डीप लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी, जब तक गेंद को फील करते सिंगल, सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंचेगी 50 रन पूरे किए यहाँ पर, 50 रन पूरे पाटिल पैंथर्स। और इस बार ऊंची गई है, दूर नहीं है, मौका है, लेकिन देखना है, नहीं पकड़ नहीं पाए, थोड़ा सा पीछे रुके थे, दर्शक से आवाज आ रही है यहां पर, काफी निगाह थी इस खिलाड़ी पर, काफी मजबूत कद के विकेट कीपर के रूप में है ये खिलाड़ी,
चार ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन लगे स्कोरबोर्ड पर एक विकेट के नुकसान पर। चलिए जल्दी, थोड़ा सा समय नहीं है हमारे पास। अंपायर प्लीज प्लीज को हल। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद भाई का। तो इस टूर्नामेंट के लिए जो जिन्होंने ताउन किया है, मदद की है, जो आप ये टूर्नामेंट देख रहे हैं, मैं इन तमाम जिन्होंने जिनके नाम मेरे पास दर्ज हैं, हमीद इंडिकर साहब 1,00,000 रुपए का नजराना जो पहला इनाम होगा, दूसरा इनाम आबिद अली मुल्ला साहब की जानिब से 50,000 रुपए का नजराना वो अपने तौर पर, थर्ड प्लेस के लिए जीशान बख्शी साहब 30,000 रुपए, जो यूट्यूब लाइव जो 180 ममालिक में देखा जा रहा है, तो अब्रार इनामदार साहब की जानिब से ये मगर उन्हीं की कोशिशों का विषय का नतीजा। हर मैच मैन ऑफ द मैच के लिए ट्रॉफी जो फयाज सरकाजी की जानिब से, और एवरी मैन ऑफ द मैच जो है एक टी शर्ट और कैप, टी शर्ट बाय वायस स्पोर्ट्स की जानिब से रफीक तौलीकोटी साहब की जानिब से, और कैप जो है यूनिक स्पोर्ट्स अबू बकर बागेवड़ी साहब की जानिब से। अगली गेंद लेकर मेरे ख्याल से हबीब अपना दूसरा ओवर, टीम का पांचवा ओवर लेकर, कमेटी के सपोर्टर हैं मुबीन शेख साहब और मुइन शेख साहब, टूर्नामेंट के सपोर्ट। अगली गेंद लेकर हबीब विजय को, यॉर्करलैंड गेंद चूके, हल्की सी गेंद छिटकती हुई एक रन के लिए दौड़ पड़े विजय कुमार, जो कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 52 एक विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के सपोर्टर हैं बड़े पीरा नन्हे पीरा जो हवेली जिम के ओनर हैं, सैयद अदीब हुसैन इनामदार सर, जो एक इंग्लिश टीचर अल हसनात उर्दू हाई स्कूल में बहसते टीचर के फराइज अंजाम देते हैं। तो कुल मिलाकर जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन्हीं की मरुन्ने मिन्नत, इन्हीं की कोशिश काविशों का नतीजा जो आपके सामने है। अगली गेंद लेकर हबीब, हल्की गेंद चेंज अप पेस, देखना है वहां पर कैच लपक लिया हनुमंत ने, ये दूसरा विकेट गंवाते हुए वापस जाते हुए बल्लेबाज पाटिल पैंथर्स के यासीन आउट होकर वापस जाते हुए, उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं सचिन। मैं इन तमाम का जो मैं अब फिर एक मर्तबा नाम लेना चाहूंगा, इन्हीं की कोशिशों काविशों का नतीजा जो आप एक बेहतरीन टूर्नामेंट मैं समझता हूं, इस 10 साल में ऐसा टूर्नामेंट कभी नहीं हुआ था। तो पहला इनाम देने वाले हैं हमीद इंडिकर साहब। जो इस टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट किया है, ताउन किया है, हमीद इंडिकर 1,00,000 रुपए जो दिए हैं, सपोर्ट किया है, सेकंड प्राइज आबिद अली मुल्ला 50,000 रुपए। अगली गेंद लेकर हबीब सचिन को, थोड़ा सा तेज गेंद करते हुए, क्योंकि थोड़ा सा यहां पर मैं समझता हूं कि कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 53 रन, फील्डर फील्ड करते दो के नुकसान पर 53 रन। अगली गेंद लेकर हबीब, वाकई बॉल का हुआ मैं, हल्की सी चेंज ऑफ पेस गेंद, हबीब बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए बॉलर को बैट्समैन को ललचाते हुए, ऐसा लगता है कि जैसा कि हबीब मुजावर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। तो ये पांच ओवर का खेल चलता हुआ, कुल मिलाकर स्कोर 53 रन दो विकेट के नुकसान पर। फिर से शॉर्ट ऑफ लन गेंद थी, देखना यहां पर खिलाड़ी मौजूद, बेहतरीन कैच वहां पर फील्डर द्वारा विजय कुमार जो ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में आए थे, आउट होकर पवेलियन वापस जाते हुए, एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, स्क्वायर लेग अंपायर स्क्वायर बाउंड्री की जानिब खेला, फील्डर फील्ड करते आउट करते, तो उनका स्थान लेने के लिए बैट्समैन नेम आसिफ विजय कुमार का स्थान लेने के लिए आ रहे हैं। तो स्कोर आसिफ जुमनाल 53 रन
तीन विकेट के नुकसान पर। 53 पाटिल पैंथर वर्सेस हमीद सिसी, पांच ओवर का खेल चलता हुआ। इसके बाद ये आखिरी गेंद होगी हबीब की। दो ओवर में हबीब 14 रन, बहुत ही दौर चलता हुआ। एक ओवर 5 गेंदों में 14 रन लुटा चुके हैं हबीब। दो विकेट, अगली गेंद आसिफ, ओवर कंप्लीट। 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा 53 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर। पाटिल पैंथर्स थोड़ा सा बांध के रखा है हबीब ने, देखना आखिरी ओवर में क्या होता है। इस क्रिकेट में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ। इस टूर्नामेंट के लिए जो सपोर्ट किया है, पहला प्राइज हमीद इंडिकर साहब की जानिब से 1,00,000 रुपये, सेकंड प्राइज आबिद अली मुल्ला 50,000 रुपये, थर्ड प्राइज जीशान बख्शी 30,000 रुपये, यूट्यूब लाइव अबरार इनामदार की जानिब से पर हर मैन ऑफ द मैच के लिए एक ट्रॉफी फयाज सरकाजी की जानिब से, और हर मैन ऑफ द मैच टी शर्ट और एक कैप। टी शर्ट जो है वाइस स्पोर्ट्स की जानिब से, जो उसके ओनर रफीक तालिकोटी साहब। अगली गेंद लेकर इस मैच का, इस इनिंग्स का आखिरी ओवर मोहसिन आए हैं पहली गेंद लेकर। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, मिड रन की जानिब खेला, फील्डर फील्ड करते दो रन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन वहां आसिफ ने मना किया। शुरुआत बहुत अच्छी थी लेकिन इस मैच का ये आखिरी, इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर मोहसिन, अंपायर का इशारा डेड बॉल का, एक तोहफे के तौर पर एक रन मिलता हुआ गिफ्ट के तौर पर। इस टूर्नामेंट के लिए हमें जो भी सपोर्ट किया है, यहां पर कमेटी के जो सपोर्टर हैं मुइन शेख साहब, मुबीन शेख साहब, अगली गेंद लेकर मोहसिन उठाकर मारना चाहते थे लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, स्क्वायर लेग की जानिब गेंद जाती हुई, फील्डर फील्ड करते एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा आसिफ को। कुल मिलाकर स्कोर पहुंचा 56 रन। 56 पाटिल पैंथर्स वर्सेस हमीद सिसी की जानिब से ये जो मैच चल रहा है। मोहसिन अगली गेंद लेकर सचिन को, मिड रन की जानिब खेला, फील्डर फील्ड करते हल्की सी वहां पर मिसफील्ड मोहसिन के द्वारा। ये मैच बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है क्योंकि स्कोर 58 ये इस इनिंग्स का आखिरी ओवर लेकर मोहसिन विजय को। देखना है वहां पर मिड विकेट की जानिब खेलना चाहते थे लेकिन विकेट कीपर से गेंद छिटकती हुई, फील्डर फील्ड करते एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो यहां पर 59 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जी 59 मोहसिन, आसिफ बहुत ही बेहतरीन शॉट आसिफ के बल्ले से निकलता हुआ, बहुत ही तेज तर्रार शॉट, कवर्स की जानिब खेला। तो स्कोर 63 लॉस ऑफ 3 विकेट, ये इस इनिंग्स का आखिरी ओवर चलता हुआ। अभी एक गेंद शेष, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की यहां पर हमीद सिसी ने, अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करेंगे तो जरूर मैच उनके पल्ले में होगा। इस मोहसिन आखिरी गेंद लेकर आ रहे हैं आसिफ को,
फुल टॉस गेंद, फील्डर मौजूद मिड विकेट की जानिब खेला, फील्डर फील्ड करते थ्रो करते दो रन लेना चाहते थे आसिफ, लेकिन बल्लेबाज ने मना किया। 65 टारगेट पार्टिल पैंथर्स ने दिया है हमीद सीसी के लिए। मैं अगली कमेंट्री के लिए मेरे साथी कमेंटेटर इरशाद चलिए सलामी बल्लेबाज। चौसठ रन बने हैं और 65 रनों का लक्ष्य है लक्ष्य का पीछा करने के लिए। दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर, हमीद सीसी के सलामी बल्लेबाज स्ट्राइक पर है बल्लेबाज।
स्वयं का पहला, टीम का पहला ओवर, गेंदबाजी मार पर किरण और सामने बल्लेबाज वीरेश, नौ स्ट्राइक पर है तौसीफ। 65 रनों का लक्ष्य, हर ओवर में चाहिए 11 रन। आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान पर, छेड़पी ग्राउंड बीजापुर के। इस मैदान पर खेली जा रही है चैंपियनशिप एफएम चैंपियन ट्रॉफी 2024 का ये मुकाबला, 2024 का एक घमासान। इस मुकाबले में जीतने वाली टीम का मुकाबला इसके बाद होगा जमीर सीसी टीम के साथ। काफी लंबा रनअप गेंदबाजी मार पर किरण, इस बार पहली गेंद उछाल कर खेला लेकिन मौका दिया गेंद हवा, पहली गेंद पे पहला छक्का लगता हुआ, पहला तो शानदार कैच लिया वहां पर मुत्तु। दोनों अंपायर से अनुरोध है इसके बाद जब भी विकेट जाता है सारे खिलाड़ी एक जगह नहीं आएंगे, दोनों अंपायर एक बार बोल दो, इसके बाद अगर कोई विकेट जाता है तो खिलाड़ी सारे एक साथ नहीं आएंगे। पहली गेंद पे पहला विकेट चटका है यहां पर गेंदबाज किरण। काफी शानदार ये टूर्नामेंट है, कल इस टूर्नामेंट का मेगा फाइनल ग्रैंड फिनाले इसी मैदान पर खेला जाएगा, दो सेमीफाइनल के मुकाबले और उसके बाद मेगा फाइनल सुपर संडे। नए बल्लेबाज मैदान पर तायप्पा, फिर से एक बार काफी तेज तर्रार ये गेंद, डॉट गेंद, काफी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं युवा खिलाड़ी किरण। पहले गेंद पे पहला झटका दिया, वीरेश को पैवेलियन में लौटा दिया, उसके बाद वीरेश की जगह लेने नए बल्लेबाज है मैदान पर तायप्पा, नौ स्ट्राइक पर है तौसीफ। फिर से एक बार स्ट्रेट ड्राइव लेकिन खिलाड़ी वहां पर, उतनी शानदार फील्डिंग, कोई मौका नहीं रन लेने का। 65 रनों का लक्ष्य है, संघर्ष अभी भी जारी है। पावर प्ले का ये पहला ओवर है, पावर प्ले के ओवर के अंदर बल्लेबाजों के पास मौका होता है, खुलकर बल्लेबाजी करने की आजादी होती है पावर प्ले के ओवर के अंदर, लेकिन अभी तक कोई बड़ा हिट लगाया नहीं है। फिर से एक बार गेंद बल्ले को छूकर जरूर निकली है लेकिन उतनी शानदार फील्डिंग, अब तक खाता नहीं खोल पाए, चार गेंदे हुई है अब तक कोई रन नहीं है, लेकिन एकमात्र विकेट एक सफलता अपनी टीम के लिए हासिल की किरण ने, शानदार कैच लिया था डीप लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के ऊपर खड़े थे मुत्तु, पहले गेंद पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश की थी वीरेश ने लेकिन उतना ही शानदार कैच लिया। और इस बार फिर से एक बार स्ट्रोक अच्छा है, खिलाड़ी काफी दूर है, जब तक गेंद खिलाड़ी के पास जाती सिंगल, खाता खोला यहां पर तायप्पा ने एक रन के साथ अपना और अपनी टीम का। मैंने पहले कहा कि ज्यादा कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है, 65 रनों का लक्ष्य 6 ओवर में है तो हर ओवर में चाहिए एक बड़ा हिट। ओ यहां पर मौका जरूर था तो सिर्फ पहले ओवर की यहां पर समाप्ति। गेंदबाजी मार पर मुत्तु, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है,
खिलाड़ी दूर है, गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ, सीमा रेखा पार आता हुआ चौका, एक धमाकेदार चौका। एफएम चैंपियन ट्रॉफी 2024 का ये मुकाबला मैदान पर खेला जा रहा है। जो भी टीम इस मुकाबले में जीतेगी उसका मुकाबला होगा जमीर सीसी टीम के साथ। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा। फिर से एक बार बड़ा हिट, लेकिन इस बार पकड़े जाएंगे। ये लीजिए, एक तेरा तो एक मेरा वाली कहानी, एक चौका लगा लेकिन उसके बाद मौका नहीं दिया, विकेट का पतन। तो किरण ने क्या, जब किरण ने गेंदबाजी की तो मुत्तू ने कैच लिया, और जब मुत्तू ने गेंदबाजी की तो किरण ने कैच लिया। नए बल्लेबाज मैदान पर अल्ताफ, गेंदबाजी मार पर मुत्तू, इस बार लोअर फुट टॉस, गेंद को खेला, स्ट्रेट ड्राइव किया है खिलाड़ी, जब तक गेंद पर पहुंचते वो इस बार देखिए उतनी शानदार फील्डिंग की है वहां पर, अपनी टीम के लिए रन बचाए, खुद गिरे लेकिन टीम के लिए रन बचाए। काफी शानदार फील्डिंग वहां पर किरण चौहान, स्ट्राइक पर है तोसीप। फिर से एक बार उछाल कर मारना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं है। और इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है डीप स्क्वायर की दिशा में, खिलाड़ी जब तक गेंद पर आते गेंद को फील करते सिंगल जरूर पूरा करेंगे, और इस सिंगल के साथ रन संख्या जा पहुंची है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन, अभी भी अगर बात की जाए तो 24 गेंदे और रन चाहिए 58 रन 24 गेंदों में। तो हर ओवर में कम से कम 15 रन, 14 या 15 रन हर ओवर में चाहिए। फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर किरण राठौड़, एक सफल गेंदबाज है, स्वयं का दूसरा, टीम का तीसरा ओवर, काफी लंबा रनअप है। इस बार इस गेंद को खेला खिलाड़ी जब तक गेंद पर आते, इसे एक बार सिंगल, अब हर ओवर में चाहिए एक बड़ा हिट एक छोटा हिट। स्ट्राइक पर है बल्लेबाज अल्ताफ,
फिर से एक बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी काफी दूर है, सिंगल तो जरूर पूरा करेंगे। अब यहां पर चौकों और छक्कों की बारिश करनी चाहिए, सिंगल डबल से काम होने वाला नहीं है क्योंकि हर ओवर में तकरीबन 15-16 रन औसत। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, काफी शानदार गेंदबाजी की है अब तक यहां पर किरण की। अगर बात की जाए तो इस बार बेहतरीन पंच किया है यहां पर, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेला है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ और उतनी शानदार बॉलिंग, शानदार बॉलिंग की है। फिर से एक बार उछाल कर खेलना चाहते थे लेकिन यहां पर काफी शानदार गेंदबाजी की है। जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं आपसे गुजारिश है, गार्ड ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए, मैदान के अंदर गार्ड चेंज ना करें। फिर से एक बार अच्छी गेंद, किरण काफी शानदार गेंदबाजी। इस ओवर की समाप्ति, तीन ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। फिर से एक बार गेंदबाजी मार पर मुत्तू, स्वयं का दूसरा, टीम का चौथा ओवर। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश और शानदार स्ट्रोक, आते ही स्वागत किया है मुत्तू का, गेंद को भेजा है सीधा 6 रन के लिए, काफी शानदार ये सिक्सर लगता हुआ। शुरुआत अच्छी है इस ओवर में, सामने बल्लेबाज अल्ताफ, 17 गेंदों में चाहिए 50, 17 गेंदों में 50। फिर से एक बार, इस बार थोड़ा साल के हाथों से खेला, खिलाड़ी काफी दूर है, सिंगल जरूर पूरा किया, दूसरा लेना चाहते हैं 2 रन यहां पर। अब 16 गेंदों में 48 रन, यदि 16 गेंदों में 48 रन बनाने हैं तो हनुमंत रेड्डी को याद करना होगा, 16 गेंदों में अगर 48 रन बनाने हैं तो फिर ऋतिक गजर को याद करना होगा, जिन्होंने आज इस मैदान पर उस तरह की पारी खेली है, 16 गेंदों में 73 रन की पारी खेली है आज इस मैदान पर हनुमंत रेड्डी। उसके बाद एक शानदार अर्धशतक देखने को मिला था ऋतिक गजर का,
और इस बार देखिए उछाल कर मारना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद, थोड़ी सी काटा बदलती हुई गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है, डॉट गेंद आती हुई। पंद्रह गेंदे और 48 रन। इस बार थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था लेकिन आगे आकर खेला, दूसरा रन फिर से एक बार लेना चाहते हैं और दो रन यहां पर पूरे भी किए। अच्छी बल्लेबाजी अल्ताफ, सूझबूझ दिखाते हुए 14 गेंदे और 46 रन की आवश्यकता। चौदह गेंदे 46, यानी 7 छक्के लगाने होंगे, 14 गेंदों में 7 छक्के। इस बार व्हाइट बॉल कॉल, अभी भी मुकाबला बना हुआ है, अभी भी मुकाबले में जान है क्योंकि ज्यादा मुश्किल नहीं है। फिर से एक बार गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन चौका आता है, अल्ताफ काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इसी तरह की बल्लेबाजी करते, एक आक्रामक स्फोटक बल्लेबाजी करते हैं तो फिर शायद जीत के दरवाजे इनके लिए भी खुल सकते हैं। 13 गेंदे और 41 रन, 13 गेंदों में 41 रन की आवश्यकता है, यानी हर ओवर में चाहिए 20 रन यहां से आगे की अगर बात की जाए। अगली गेंद पर यदि कोई बड़ा हिट आता है, चौका या छक्का आता है, तो फिर मुकाबले में जान आ सकती है क्योंकि अभी भी 13 गेंदे और 41 रन। यदि अगली गेंद पर सिक्सर आएगा तो फिर 12-35, अगली गेंद पर चौका आएगा तो फिर 12-37। इस बार गेंद को खेला है लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, ये जरूरत है या नहीं है, लेकिन दो रन पूरे किए इस ओवर की समाप्ति। अब समीकरण की बात की जाए तो 26 रन अब तक बने हैं, 12 गेंदों में 39 रन, 12 गेंदे और 39 रन, बॉल रिमेनिंग 12, रन रिक्वायर 39। इस बार यहां पर पहली गेंद पर अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला है मुत्तो है, वहां पर दूसरा रन लेना चाहते थे, मना किया, ये सही सोच है अल्ताफ की क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी की है इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत है। अब यहां से आगे 11 गेंदे और 38 रन, इस बार अल्ताफ के बल्ले से ये तो गेंद गई है बिल्कुल यहां पर शानदार स्ट्रोक है, 6 रन के लिए ये अब मुकाबले में जान है। तो बिल्कुल यहां पर है, इस मैदान पर आकर एक अंपायरिंग का अलग अंदाज भी देखने को मिला है, आसिफ बागायत एक अलग अंदाज में यहां पर सिक्सर दिया है दर्शकों का मनोरंजन करते हुए, बिली बॉर्डर की याद दिलाते हुए आसिफ बागायत।
इस बार ये गेंद अच्छी, उतना ही रन लेना चाहेंगे, सिंगल जरूर पूरा करेंगे। 9 गेंदे और 31 रन, 9 गेंदे 9 बॉल 31। अगली 3 गेंदों में यदि 2 बड़े हिट लगते तो फिर से एक बार मुकाबले में जान आ सकती है। गेंदबाजी मार पर तैयार है गेंदबाज भीमू, और इस बार उछाल कर खेला है, ऊंची गई है, दूर नहीं है, कैच छूटा है, छूटा कैच, कैच छूटा, दिल टूटा और बल्लेबाजों ने 2 रन भी लूटा। आठ गेंदों में चाहिए 29 रन। ओहो बंदा नवाज बागवान, उसे कैच मैदान के अंदर लिया करिए, मैदान के बाहर कैच लिया है, मैन फ्रॉम इलकल बंदा नवाज, लेकिन एक शानदार सिक्सर, फिर से एक बार छह बॉल मैदान पर। छह गेंदों में चाहिए 22 रन। अब अगर बात की जाए तो 6 गेंदे 22 रन, इससे पहले अगर पावर प्ले के अंदर कुछ समझदारी के साथ बल्लेबाजी होती तो फिर यहां पर कुछ नतीजा अलग हो सकता था, लेकिन उसके बाद शुरुआत जरूर की है। बॉल 22 रन। कैप्टन संदीप इसके बाद एक बड़ा मुकाबला, फिर से एक बार इस मुकाबले में जीतने वाली टीम, और इस बार शुरुआत यहां पर देखने को मिली अच्छी शुरुआत। अब 5 गेंदे और 22 रन, जो टीम जीतेगी उसका अगला मुकाबला, क्वार्टर फाइनल का मुकाबला जमीर सीसी टीम के साथ होगा। कैप्टन संदीप राठौड़ स्टेज के पास आए, और इस बार इस गेंद को खेला है खिलाड़ी, वहां पर सिंगल आता हुआ, थोड़ी सी देर हुई है यहां पर, ये जिस तरह से अल्ताफ ने बल्लेबाजी की है, थोड़ा पहले ट्रैक में आते तो यकीनन नतीजा कुछ और हो सकता था, लेकिन अभी भी 4 गेंदे 21 रन, 3 बड़े हिट 1 छोटा हिट। इस बार देखिए फिर से एक बार पावरफुल, ये भी गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग सीमा के ऊपर से 6 रन के लिए, फिर से मुकाबले में जान आती हुई, 3 गेंदे 15 रन, 3 गेंदे 15 रन। आज इस तरह के मुकाबले देखने को मिले, 3 गेंदों में 15 रन। जमीर सीसी के खाली सिर्फ कैप्टन आना मांगते पूरे सपोर्टर्स ने, जमीर सीसी के खाली सिर्फ कैप्टन सपोर्टर्स नहीं है। दो गेंदे और 13 रन, क्या होगा इस मुकाबले का अंत, 2 गेंदों में चाहिए 13 रन।
इस बार ये मुकाबला तकरीबन अब यहाँ पर पाटिल पैंथर्स कैप्टन जल्दी आइए टॉस के लिए। पाटिल पैंथर्स कैप्टन टॉस के लिए आइए। पाटिल पैंथर कैप्टन टॉस के लिए आइए। और मैन ऑफ द मैच किरण राठौर। किरण राठौर मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए आइए और कैप्टन यहां पर